मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इन इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउंस रिवीजन। डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इट्स पार्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन दैट शोज पॉजेसेशन इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो एक पॉजेसेशन दिखाए, उसमें पॉजेसेशन शो करता है। द पॉजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स। दीज आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। देर इज नो पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर इट। इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज mine। Example, this shirt is mine। यह शर्ट मेरी है। Number two, that red bicycle is hers। यह रेड बाइसिकल उसकी है। लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर नॉट टू कंफ्यूज पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है और जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है वो नाउन के प्लेस पर आता है। द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, योर, His, her, its, are and their। All these are possessive adjectives। All these are used before any noun। ये किसी भी noun से पहले use किए जाते हैं। A possessive adjective modifies a noun। और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाइज करता है। आई हैव टोल्ड यू एंड इट प्लेस्ड बिफोर इट, और ये इससे पहले आता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड रिप्लेस अ नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, नीचे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे इसको शो करने के लिए कि कहां पर हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं और कहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स द पॉजेसिव प्रोनाउन इज, पॉजेसिव प्रोनाउन इज सर्कल व्हाइल द पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अंडरलाइन। In the following examples, the possessive pronoun is circled while the possessive adjective is underlined. This is the example of possessive adjective and possessive pronouns.
रेड शर्ट इज माइन, दिस इज माइन, माइन इज पॉजेसिव प्रोनाउन, एंड योर शर्ट इज ब्लू, योर इज पॉजेसिव एडजेक्टिव हियर, लाइक दिस। सेकेंड एग्जाम्पल, belongs to me.
bicycle belongs to me. This bicycle is mine. Yes. देखिए बेटा, this bicycle belongs to me, यानी ये bicycle मुझसे संबंधित है. तो we can say that this bicycle is mine. ये bicycle मेरी है. Sentence number 4. The farm does not belong to us. The farm belong. The farm does not belong to us. ये farm हमसे संबंधित नहीं है. Means. Now sentence number 5, that isn't, means is not, that is not your hockey stick. ये hockey stick आपकी नहीं है. Now we will write this, that hockey stick isn't yours. That isn't yours. ये hockey stick आपकी नहीं है. Sentence number 6. Yes, sentence number 6, I take care of my belongings. मैं अपने belongings की, अपने सामान की चिंता करता हूँ, देखभाल करता हूँ. Then we will write, I take care of the belongings. I take care. I take care of the belongings which are mine. I take care of the belongings which are mine. मैं उस सामान की देखभाल करता हूं जो मेरा है. Number 7 sentence. She iron only her own clothes. She iron on only on she iron only she iron only her own clothes
Yes, she ironed only her own clothes. उसने केवल अपने ही क्लोथ्स पर, कपड़ों पर प्रेस की, आयरन की. We will write, she ironed only. She ironed only those clothes that were hers, means उसने केवल उन्हीं क्लोथ्स पर आयरन की, प्रेस की, जो उसके अपने थे. सेंटेंस नंबर एट, ईट ओनली योर टिफिन. Eat only your tiffin. You will write, eat only the tiffin that is yours. केवल वही टिफिन ले जो आपका है, वही लंच खाएं जो आपका है. डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी विल चेंज दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउन. दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड हियर. यस डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are in four. Demonstrative pronoun are four in number. This, that, these, those. This, that singular number के लिए use किए जाते हैं. These, those प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं. दिस जो पास वाली चीज के लिए यूज किए जाते हैं, जो हमारे पास, हमारे नियर अबाउट है. एंड दैट डिस्टेंस वाली, कुछ दूर वाली चीज के लिए यूज किया जाता है. एंड लाइक दिस, दीज पास वाली चीज के लिए प्लूरल में यूज किया जाता है, और दोज दूर वाली चीज के लिए प्लूरल में यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, demonstrative pronouns is used to point out. Demonstrative pronoun जो है, हम indicate करते हैं, इशारा करते हैं. Point out करना मतलब इशारा करना, point out करते हैं उसे कि ये है. A demonstrative pronoun is used to point out the object to which it refers. Means जिसे वो refer करता है, उस object को point out करता है, उसकी ओर इशारा करता है. It can also indicate the distance. It can also indicate the distance of the object from the speaker. और जो बोल रहा है कि भाई ये चीज कहाँ है, यहाँ है, तो वो इधर इशारा करेगा, इंडिकेट करेगा, पॉइंट आउट करेगा उसको. वहाँ है तो स्पीकर इस तरह से इंडिकेट करेगा, इशारा करेगा. The demonstrative pronouns are this, that, before I have told you. Demonstrative pronouns, this, that, these, those. This, that singular में use करते हैं, and these, those plural में use करते हैं. Dear students, remember that pronouns always replace noun. हमेशा जो प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, दिस इज वाटर लिली.
दिस इज वाटर लिली. दिस इज वाटर लिली. दैट इज अ लोटस. दैट इज अ लोटस. दिस दैट दिस इज वाटर लिली. ये वाटर लिली है. दैट इज लोटस. वह लोटस है. इस तरह से हम पॉइंट आउट करते हैं थिंग्स को. नंबर वन एग्जाम्पल. नंबर टू दीज आर वूलन सॉक्स. दीज आर वूलन सॉक्स. दीज आर वूलन सॉक्स. दोज आर कॉटन सॉक्स. डिस्टेंस वाली चीज को इंडिकेट कर रहा है. दिस पास वाली चीज को इंडिकेट करता है. लाइक दिस इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. यस सर्किल द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स. सर्किल द Dear students, now we will solve the exercise point D. In this exercise, circle the demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun को circle करना है. In the following sentences, be careful. It is said that don't mix them up with demonstrative adjective. और ये ध्यान रखना है हमें कि हमें उन्हें उनमें जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को मिक्स नहीं करना है. उसमें मिक्स नहीं करना है. क्यों? आपको पता होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज होता है. तो ये हमें ध्यान रखना है कहीं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कंफ्यूज ना हो. ये इसलिए कहा गया है हमें केवल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को सर्किल करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस डॉग इजंट अ जर्मन शेफर्ड. अब देखिए यहां पर यह है दिस डॉग. तो डॉग क्या है? डॉग यहां पर नाउन है और नाउन से पहले यहां दिस का यूज किया गया है. तो ये जो दिस है ये क्या हुआ यहां पर? दिस डॉग. दिस यहां पर हुआ एडजेक्टिव. इसको हम सर्किल नहीं करेंगे. दिस डॉग इजंट अ जर्मन शेफर्ड. ये डॉग यह डॉग जर्मन शेफर्ड नहीं है. तो यहां पर यह दिस जो है एडजेक्टिव है. एंड इन द सेकंड सेंटेंस दिस इज अ लैब्राडोर. ये लैब्राडोर है. तो यहां पर यह हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये यहां पर नाउन के प्लेस पर यूज किया गया है. इसलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे. This is clear. Now, in second sentence, that house is going to be sold. That house is going to be sold. That house is going to be sold. Sold. That is the one. That is the one I want to buy. I want to buy. देखिए, in the second sentence, that house is going to be sold. ये हाउस बिकने जा रहा है, बिकने वाला है. That is here adjective, possessive adjective, means demonstrative adjective. That house, that house, that is demonstrative adjective here.
एंड दैट इज द वंस आई वांट टू बाय दैट इज द वंस मींस दैट हियर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दिस वी कैन पॉइंट आउट और वी कैन फाइंड आउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस नंबर थ्री दीज आर जैन टेम्पल्स These are Jain temples These temples are famous famous for their architecture. These temples are famous for their architecture. ये temple अपने architecture के लिए famous है, प्रसिद्ध है. These temples, these here adjective, and these are Jain temples. These here demonstrative pronoun. So we will circle these. Like this sentence number four. Sentence number four. Yes. Sentence number six, four. How much is that painting for? Ye painting. Yani how much is that painting for? That will cost you 5 lakh rupees. Means ये पेंटिंग कितने की है तो दैट पेंटिंग दैट इज हेयर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दैट विल कॉस्ट यू 5 lakh rupees दैट विल कॉस्ट दैट इज हेयर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउ वी विल सर्कल इट सेंटेंस नंबर फाइव Strawberries. These ones are fresh. Those are frozen strawberries. Those here is demonstrative pronoun. These here is demonstrative adjective. Sentence number six, that is the way to the railway station. Railway station. This road will take you. Yes, sentence number six, that is the way to
द रेलवे स्टेशन। यह रास्ता स्टेशन के लिए है, मीन्स दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हेयर। दिस हेयर इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लाइक दिस वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज पॉइंट डी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।